हरे कृष्ण बोले से एकादशी तिथि की बोले माधव तिथि की हरे कृष्ण हरि बोल बोलो हरे कृष्ण। देखो आज एकादशी तिथि है, हम लोग नगर परिक्रमा करते करते श्री घर का मालिक कौन है, क्या नाम है, पंकज प्रभु दीदी का नाम, इनको दामोदरी नाम दिया, दामोदरी दासी। आज हम लोग इनके घर में कीर्तन और एकादशी का दिन सत्संग कर रहे हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया कि जो सत्संग है इसकी कितने महिमा, बोले गंगा पापम शशि तापम तन्न कल्प तरु हरि तथा पाप तथा पुण्यम हरे तत् समागम। कहते गंगा क्या करती है, बोले गंगा पापम, हम कहते ना चलो गंगा में नहा करके आएंगे अरे पाप को धो करके चले आएंगे, बोलते है ना, बोले गंगा क्या करती है, बोले गंगा पाप को नष्ट करती है। बोले शशि, शशि मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा क्या करते, बोले शशि तापम, जिसे दिन भर सूर्य का किरण से हम लोग एकदम गर्मी गर्मी से एकदम हतस्तस्त हो जाते हैं, लेकिन रात में को जब चंद्रमा उदय हो चंद्रमा सुशीतल ठंडा प्रदान करती है, बोले जो शशि है चंद्रमा ये हमारे ताप को दूर करती है। बोले जो दुख दारिद्र को कौन हरण करती है, बोले एक वृक्ष जिसका नाम कल्प वृक्ष है, कहती ये कल्प वृक्ष हमारे दुख दारिद्रता को नष्ट करती है। लेकिन कहती जो सत्संग है, कहती ये तीनों को ये सत्संग नष्ट करने वाले हैं, तीनों को, कहती ये पाप को भी नष्ट करने वाले, ताप को भी नष्ट करने वाले और हमारी दरिद्रता को दुख को भी नष्ट करने वाले कौन है, श्री ये सत्संग है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा सत्संग की। बोले एक समय श्री विश्वामित्र और श्री वशिष्ठ जी, एक समय श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को घर में आए और वशिष्ठ जी हैं और वशिष्ठ विश्वामित्र जी को घर पहले आए, आए तो विश्वामित्र जी खूब उनको स्वागत दी, खूब खिलाया पिलाया। जब वो वापस जा रहे थे, जैसे आपका घर में कोई अतिथि आए ना, कोई परिवार के कोई अतिथि कोई सदस्य आए, हम क्या करते हैं वापस जाते समय कुछ मिठाई कपड़ा लता देते हैं, ये तो ये साधारण लोग में, लेकिन भक्ति जगत में और कोई चीज थी। जब श्री वशिष्ठ वापस जा रहे थे, विश्वामित्र जी ने कहा मैंने 60,000 साल तक मैंने जो तपस्या की है उसका तपस्या का फल श्री वशिष्ठ जी को प्रदान करता हूँ। वशिष्ठ जी चले गए। अभी एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी को घर में आए, वशिष्ठ जी उनको खूब आदर खातिर सम्मान की। अभी वो जो वापस जा रहे थे, अभी वशिष्ठ को भी कुछ देनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा मेरे को तो याद है नहीं मैंने कभी जिंदगी में सत्संग की है, अगर हमने कभी जिंदगी का सत्संग किया तो सत्संग का एक मुहूर्त फल हम प्रदान करते हैं, हैं? एक लव फल प्रदान करते हैं। एक लव मतलब क्या है, एक सेकेंड हो गया उसको 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकवा भाग को कहते एक लव है, अगर इतना समय का जो सत्संग का फल प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही विश्वामित्र तो भड़क गए, बोले क्या आप मेरे घर में आए हो, मैंने कहा 60,000 साल का तपस्या का फल देता हूँ और आपका घर में आए आप क्या मेरे को दे रहे हो, कहते मैंने कभी सत्संग किया मेरे को याद है ही नहीं, अगर हो तो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर हो तो उसका एक मुहूर्त का फल हम प्रदान करते। विश्वामित्र भड़क गए, जैसे संसार में जैसे होता है ना, किसी बेटा का शादी हुआ, देखना दूसरा परिवार बेटे को शादी में जो देता है उसका उसका बेटे का शादी में तुमको भी वही चीज देना पड़ेगा कि नहीं, अगर नहीं दो ना मन मटाव हो जाता है। बोले देखो उसकी बेटे में मैंने ये दिया वो दिया ये दिया, इसको देखो इसको हमारी बेटे का शादी में उसने क्या दिया, क्या संसार में मन मटाव हो जाता है, नहीं लड़ाई हो जाती है, अभी तो दोनों में लड़ाई हो गई। इतने में वशिष्ठ जी ने कहा देखो ये चीज को कौन परीक्षा करेगा, एक मुहूर्त सत्संग की महिमा फल बड़ा ना 60,000 साल तपस्या का महिमा बड़ा, इसको विचार कौन करेगा।
तुम में कौन श्रेष्ठ है? बोले चलो पितामह ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं। अभी ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता जगत का गुरु ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी को पास में ये बात को रखे, ब्रह्मा जी कहा भैया मैंने तपस्या करके ये ब्रह्म पद को मैंने प्राप्त की, मेरे को पता ही ये तपस्या क्या क्या फल है, लेकिन मेरे को तो कभी याद आता ही नहीं कहीं जिंदगी में मैंने साधु संग किया ही है, मेरे को तो याद नहीं आता भैया इसकी महिमा तो मैं बता नहीं सकता। बोले कौन बोलेगा? बोले भोले बाबा के पास में चलो, क्योंकि शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्त श्री भोले बाबा है, जो पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, जो पंचमुह में हर समय भगवान जो नाम को जप करने वाले श्री भोले बाबा। बोले भोले बाबा को पास में चलो। भोले बाबा जी बोले भैया मैं तो जोगी जोगी महाजोगी हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए मैं ये जोग का जो महिमा है तपस्या का महिमा मेरे को पता है, क्योंकि मैं जोगी जोगी महाजोगी हूँ। लेकिन इस सत्संग की महिमा तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया हरि हर विधि भी सत्संग की महिमा बता नहीं सकते। भैया हम तो सत्संग की महिमा नहीं बता सकता। बोले भैया फिर बताएगा कौन? बोले शंकर जी के गुरु जी को पास में चलो, वो बताएंगे। बताओ तो शंकर जी की गुरु कौन है? श्री राम भगवान है। बताओ शंकर जी का गुरु? हम लोग कोई नहीं बोल, फेल हो गई। इसलिए जो अनंत देव है, शंकर जी के सारे शरीर में सर्प, ये सर्प कौन है? ये अनंत देव है, वो अपना गुरु जी को ही शरीर में भूषण रूप में धारण करके रखे। बोले क्यों? बोले सोना चांदी अगर भूषण बनाओगे तो मरने से पहले सबको उतार देंगे सब, लेकिन गुरु जी के उपदेश को अगर जीवन में उतार लो तो जीवन की अपने जीवन की पीड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ये अनंत देव अपना गुरु जी को शरीर में भूषण बना करके रखे। जो अनंत देव अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अपना सर को ऊपर में एक सरिसो जैसे धारण करके रखे। बोले चलो हम श्री अनंत देव के पास में जाएंगे, वो बताएंगे। जब वहां पर पहुंचे अनंत देव ने कहा देखो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे सर को ऊपर रखा हुआ है। जैसे कोई विश्व कोई चीज को हम विचार कब करते हैं? जब स्थिर मस्तिष्क में हो, स्थिर बुद्धि में हो, तब तो कोई विचार करेंगे। बोले तुम दोनों में एक काम करो, ये विश्व ब्रह्मांड को थोड़ी समय के लिए कोई धारणा कर लो, फिर मैं चैन से फिर इसका विचार बताऊंगा। ये सत्संग की महिमा बढ़ाना 60,000 साल तपस्या का फल बढ़ा है। विश्वामित्र जी को बोले, विश्वामित्र तो बड़े अभिमान से बोले मैंने 60,000 साल जो तपस्या की उसका मैं फल प्रदान करता हूँ। हे पृथ्वी देवी अब अनंत देव का सर से अलग हो जाओ। इतना बोलते ही अलग क्या हो जाएगा, और ज्यादा भोजन बढ़ गया। अनंत देव बोले तुमने क्या बोला, मेरे भोजन तो और ज्यादा ही बढ़ गया। तुमने क्या